नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आए ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग घिया फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही अलग तरह की रेसिपी है। आप एक स्नैक्स के तौर पर इसको खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 3-4 चम्मच सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया डाला है, 10-12 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट कर लिया है और लहसुन को भी हमने कूट कर डाला है इसके अंदर। और ये 3 बड़े प्याज लिए हैं हमने बारीक काट कर, और इनको सुनहरा भूरा होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। और अभी हमने ये 3-4 छोटे छोटे आलू लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। जब तक ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब तक पकाना है। अभी हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, और इनको अच्छे से मिलाएंगे। और मसालों को अच्छे से पकाना है हमें, ताकि मसाले बिल्कुल ही कच्चे नहीं रहे। तब तक आप पकाते रहें चलाते हुए। अभी ये 2 टमाटर डाले हमने बारीक काट कर, और कुछ देर चलाएंगे हम। और अभी हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको चलाते हुए ढककर पकाएंगे। देखिए अभी पक्की कुछ देर उबाल आ गया है, तो अभी हम मूंग डालेंगे। 1 छोटी कटोरी मूंग भिगोए थे रात भर हमने, और देखिए ये सारे के सारे ऐड कर देंगे। नॉर्मल कटोरी होती है छोटी सी, वो आप ले सकते हैं। और इनको अच्छे से मिलाएंगे और ढककर इसको पकाएंगे अच्छे से। पूरा पानी आपका फिनिश हो जाना चाहिए, तब तक आप इसको पकाते रहें अच्छे से, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। अभी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अभी ये 1 घिया ली है, इसको 2 टुकड़ों में हमने काट लिया है। देखिए अच्छे से छील लिया इसको साफ पानी से धोकर। और अभी हम इसका अंदर का भाग है वो निकालेंगे, पूरा का पूरा अंदर का जो इसका भाग है वो सारा का सारा निकाल देंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके चाकू की सहायता से आराम आराम से। इसी तरह दोनों को हम अंदर से बिल्कुल अच्छे से निकाल के खाली कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया हमारा। अभी हमने थोड़ा सा इसको मैश कर लिया है आलू को मूंग के अंदर, और इसमें से आधा हमने अलग निकाल लिया खाने के लिए। और अभी हम इसको इसके अंदर फिल करेंगे। मूंग को अच्छे तरीके से भरना है हमें, दबा दबा के चम्मच की सहायता से। ये देखिए भरकर हमारा तैयार है बिल्कुल। और अभी हम इसको चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे ऐसे, और चाकू की सहायता से कट लगाएंगे। पूरा नहीं काटना है इसको, नीचे से इसको रखना है, एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा ये। और ऐसे आप पीस में कट करते लगाते जाएं ऊपर, और एक साथ कट लगानी है आपको, एक जैसा काटना है, नीचे तक बिल्कुल नहीं काटना है। और आराम आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ऐसे काटते रहें और पूरी की पूरी घिया ऐसे कट कर ले, आराम आराम से कट जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कट गया। और इसी तरीके से ये देखिए आराम से काटना है। और अभी दिखाते हैं पास से आपको, ये देखिए अंदर से ऐसे भाग हो गए हैं इसके। और इसी तरीके से हम दूसरा भी कट कर लेंगे,
और अभी हम एक बर्तन में 4 चम्मच बेसन लेंगे, उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे धीरे धीरे पानी डालते हुए, और चम्मच से मिलाएंगे। और अच्छे से मिलाने के लिए आप हाथ से भी मिला सकते हैं इसको। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। और अभी हम घिया इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर चारों तरफ इसको लपेट देंगे बेसन को, और अच्छे से कवर कर दें इसको ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर। अच्छे से कवर करते हुए इसको, और इसी तरह हम दूसरी भी डाल देंगे इसके अंदर घिया का पीस, और इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे हम बेसन से। और अच्छे तरीके से बेसन को कवर कर दें इसके अंदर आराम आराम से, अच्छे से कवर कर ली। ये देखिए हो गया बिल्कुल। अभी हमने फ्राई करने के लिए सरसों का तेल ले लिया है, ये बहुत अच्छी बनेगी सरसों के तेल में। और ऐसे आराम से रख दें एक, और थोड़ा सा बेसन है इसके ऊपर से हम लगा देंगे, और ये देखिए अच्छे से लगा दिया बेसन को हमने। और अभी दूसरा पीस भी रख देते हैं और इसको भी थोड़ा थोड़ा कवर कर देंगे बचे हुए बेसन से, और इसको अच्छे से पकाएंगे आराम आराम से, पलटते पलटते हुए धीरे धीरे आप पलटें। बेसन आपका अलग होता है तो कोई बात नहीं, हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये अंदर तक अच्छे से पकनी चाहिए। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया है हमने, जरा सा भी तेज नहीं किया। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद इसी तरह दूसरे को पलट देंगे। और अच्छे से ऐसे पलटते 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 हुए अच्छे से पकाएंगे हम, और ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। पकने के बाद देखना आप कैसा लगेगा। बहुत ही ऐसे अलटते पलटते हुए इसको अच्छे से पका ले। और अभी ये देखिए एक प्लेट में हमने मूंग जो थे वो सारे निकाल लिए हैं, और जो हमारी फ्राई की हुई मूंग है, ये देखिए घिया के स्नैक्स हम ऊपर रख देते हैं इसके। देखिए कितने प्यारे बने हमारे घिया के स्नैक्स, देखते ही खाने का मन कर रहा है। और अभी हम दूसरा पीस भी रख देते हैं, ये देखिए बहुत ही करारे करारे स्वादिष्ट घिया के स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। ये घिया फ्राई, मूंग फ्राई की रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और ये कुछ बचा हुआ बेसन है जो उतर गया था वो भी साथ में रख देते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पर, और आप पराठे रोटी के साथ सब्जी की तरह भी इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा बना है मूंग घिया फ्राई, तो एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए कितना प्यारा है बना है।